और एक बात ये भी है कि इसको भी बहुत घमंड से कहता हूं कि जिंदगी दुनिया में धोखा खाना कोई बुरी बात नहीं है, धोखा देना हो इसलिए उसका कोई अफसोस नहीं है। ये तो इनके चरित्र में है, इन्हें ये इनके इनके रगों में जैसे रचा बसा है, कोई मेरी बात नहीं है। आप पूरे प्रदेश में अभी मसूद भाई बोल रहे थे एक एक, अब वो तो लंबी बात कर रहे थे कि उस जिले में ये हुआ, अरे उन किलो को मारो गोली, यहीं पे आप देख लीजिए उस जिले में हम क्यों जाए, यहीं पे क्या क्या हुआ है, कितने लोगों का गला काटा गया है। चलो हम लोगों की बात तो छोड़ दो, इधर तो किसी को भी नहीं बचता, हत्या की बेवा को भी नहीं बचता, किसी किसी को नहीं बचता और उसको भी नहीं बचता जो इनका इनके इनकी पार्टी का पत्थर अपने सर पे लेके धोता था और कहता उसके सामने बोल दो समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो एकदम लड़ने को थे। हमारे दोस्त थे वसीम भाई, भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हम लोग एक साथ बैठते भी थे, हम कभी कभी मजाक करते थे, कह भैया हमारे सामने मत मजाक किया करा यार, ऐसा रिश्ता था भैया, उसके दिल में रचा बसा था किसी सरमाएदार कुछ ऐसे लोगों के कहने पर उसको एक का टिकट काटा गया। उसके बाद वो बेचारा उस गम को लेके अंदर ही अंदर घुटता रहा, मैं जानता वो इज्जतदार आदमी था, किसी से कहता नहीं था, मगर उस गम ने उसको बीमारी दी और वो बीमार था, ये भी मैं कहता। उसके बाद क्या हुआ, इतना भी नहीं हुआ कि चलो वो तो बेचारा चला गया इस दुनिया से, क्या फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कहता एक सीट पे एक ही प्रत्याशी लड़ेगा, ये मैं जानता हूं, नहीं लग सकता, लेकिन आपके अंदर अगर गैरत होती और हिम्मत होती तो आप उसके बेवा से कह देते कि आप मेरी बहन है, सरकार अगर बनी तो भी नहीं बनी तो भी मैं कहीं आपको सेट करता, क्या कर जाता, लेकिन बहन तुम्हें चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आपने क्या किया, नहीं नहीं तुम तैयारी करो लड़ो, तुमको लड़ना है। अब उसके साथ ये हुआ कि जो कुछ भी दो चार रुपया उसने बचा के पेट का, वसीम तो ईमानदार आदमी था, जो कुछ बचा के रखा था वो भी चला गया, और वो गया या नहीं गया, जो उसके बाद गया वो एक पर्दे वाली औरत थी, सड़क पे निकल के दौड़ती थी, पैरों में उछाले पर उसकी गिरफ्ती तहस नहस हो गई, तो ये ऊपर वाला भी देखता है ये सरकार कैसे बन जाती। लोग कहते ना मसूद भाई कह रहे मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती कि वो लोग जो झूठ बोलते हैं, मक्काई करते हैं, लोगों का गला काटते हैं, तो हो सकता है कि आपके धोखे में फंस जाए लोग, लेकिन आप ये मत बोलिए कि जमीन को आसमान से चलाया जाता है, अपनी औकात और अपनी हाथते रहो, यही तुम्हारी औकात थी, तुम बहुत नशे में चल रहे थे ना, मेरी सरकार सत्ता आ रही है, 30 आदमी आ गए और 30 चला गया, तुम्हारी सब ताकत मिल के यहाँ पहुंचे 111, यही तुम्हारी आत्मसात थी, यही तुम्हारी ताकत थी, क्यों, क्योंकि तुम आदमी से ही, हमारे बारे में लोग कहते अरे मेरा क्या गया, एक आदिवासी विधायक की गई है, लेकिन हाँ मैंने बच्चों से खड़े होकर बताया, दुनिया को बताया कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, अगर अफसोस है तो इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव का बेटा, एक बड़े नेता का बेटा, इस देश का एक जाना माना चेहरे का, उसका बेटा झूठा है, झूठ बोलता है वो, मैंने ये बताया दुनिया, वो और मुसलमान होंगे जो तुम्हारी चूती साफ करते हैं, ये कुतुब समारी है, और जिस दिन अपनी आंखों के लिए लड़ ना सका उस दिन अल्लाह से मौत मांगूंगा अपने लिए, मैं कमजोर आदमी नहीं हूं।